प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। इफिसियों के पत्र तीसरा अध्याय उसकी 18वीं आयत में पौलुस की प्रार्थना है कि हम परमेश्वर की प्रेम की ऊंचाई को, लंबाई को, चौड़ाई को, गहराई को जाने। परमेश्वर की प्रेम की गहराई के बारे में मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा। बहुत घंटों तक प्रचार करेगा तो भी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन कुछ शब्दों में बोलूं परमेश्वर का प्रेम की गहराई। कितना गहरा है परमेश्वर का प्रेम, स्वर्ग कितना ऊंचा है, स्वर्ग से पृथ्वी तक कितना गहरा है। कोई भी साइंटिस्ट अभी तक नाप नहीं सकता कि पृथ्वी से आकाश की सीमा तक नहीं पहुंच पाया कोई भी, वो कितना ऊंचा हो सकता है पता नहीं। स्वर्गादि स्वर्ग में वास करने वाला परमेश्वर, फिलिपियों के पत्र दूसरे अध्याय में लिखा है, परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद भी महिमा की वस्त्र को उतार कर, अपना महिमा को छोड़कर, परमेश्वर का तुल्य होने के बात को अपने वश की बात ना समझकर, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा खाली कर दिया, अपने महिमा की वस्त्र को उतार कर रख लिया और मनुष्य बना, शरीर का शरीर रूपी मनुष्य बनकर एक स्त्री का खोक में अपने आप को समर्पित करते हुए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व को छोड़कर, महिमा को छोड़कर, परमेश्वर होने की उस बात को छोड़कर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। उस स्वर्ग से इस पृथ्वी पर कितना गहरा है, उस पृथ्वी के नीचे उस अधोलोक तक यीशु मसीह उतरा, कितना गहरा है उस प्रेम, कोई नाप नहीं सकता है, कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता है। उतना गहराई में यीशु मसीह आया, क्रूस की मृत्यु तक अपने आप को समर्पित किया, हमारे लिए मरने के लिए दे दिया। मनुष्य उसको निंदा किया, स्वर्गदूतों को भी मृत्यु नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मरने के लिए अपने आप को समर्पित करके स्वर्गदूतों से भी नीचे हो गया। मनुष्यों में सबसे बड़ा पापी का समान क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, आखिरी बूंद लहू तक बहाया, सबने उसको मजाक उठाया, थूक मारा, सब कुछ सह लिया, क्रूस को सह लिया। इतना गहराई से यीशु मसीह हमारे लिए, हमसे प्रेम किया। उसका प्रेम की गहराई को मैं और आप जानना है, हम सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, नाप नहीं सकता, उससे बढ़कर यीशु मसीह का प्रेम की गहराई है। परमेश्वर का प्रेम की गहराई को हम समझ नहीं पाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे, उस गहरा प्रेम हमारे अंदर बसने पाए। God bless you, God be with you, shalom।